मैच फिक्सिंग के कारण 9 साल का प्रतिबंध झेल चुके भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत इन दिनों घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें लगातार दूसरे साल आईपीएल की नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। हालांकि वे अब भी घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन को सुधारने और बीसीसीआई का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 9 साल प्रतिबंध झेलने के बाद श्रीसंत ने सितंबर 2020 में वापस क्रिकेट में कदम रखा। इसके बाद अब उन्हें पहला विकेट मिला। 39 साल के श्रीसंत इन दिनों रणजी ट्रॉफी में केरल टीम के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने सीजन का पहला मैच 17 फरवरी से मेघालय के खेला था। इसमें उन्होंने 2 विकेट झटके थे। इसी मैच में उन्हें 9 साल बाद अपना पहला विकेट मिला था। इसका वीडियो श्रीसंत ने अब सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में विकेट मिलने के बाद श्रीसंत पिच पर लेटकर प्रणाम करते दिख रहे हैं। इस तेज गेंदबाज ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा, 9 साल लंबे इंतजार के बाद अब मुझे अपना पहला विकेट मिला है। मैं सिर्फ खेल का लुत्फ ले रहा हूँ, लेटकर पिच को प्रणाम करता हूँ। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।